नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर रीवा से है, जहां कोई भी राजनीतिक पार्टी हो झूठे वादे, दिखावटी समाज सेवा और अपने विकास कार्य को दिखाकर जनता को धोखे में रखना चाहती है। जो भी पार्टी सत्ता में रहती है उसके जनप्रतिनिधि नारियल फीता जेब में रखकर विकास की नींव रखते हैं, लेकिन वह कार्य कितने पूरे हो पाते हैं ये आए दिन देखने को मिलता है। बात कर रहे हैं रीवा नगर निगम की, जहां लंबे समय से नारियल फीते का खेल चल रहा है। भाजपा शासनकाल में पूरे 45 वार्ड में जमकर भूमि पूंजन हुए, लेकिन विकास कार्य नहीं हुए। तो अब सत्ता बदली तो कांग्रेस के महापौर बने, तो कांग्रेस के महापौर उन्हीं कार्यों के नारियल तोड़कर भूमि पूजन कर रहे हैं। पहले कांग्रेसी विरोध करते थे, अब भाजपा विपक्ष में है तो भाजपा विरोध कर रही है, लेकिन ठगा सिर्फ नगर निगम का रहवासी जा रहा है। दरअसल सोमवार को नगर निगम में परिषद की बैठक का आयोजन किया गया, जिसे स्थगित कर दिया गया है। वहीं लेखा समिति का चुनाव हुआ, जिसमें 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए। सभी सदस्यों ने वीरेंद्र वर्मा को अध्यक्ष चुना है। परिषद की बैठक के बाद जहां नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने नव निर्वाचित लेखा समिति को बधाई दी, वहीं निर्वाचित अध्यक्ष ने भी आभार व्यक्त किया। पूरे मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा ने अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा और कांग्रेस महापौर पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूर्व में जिन निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया जा चुका है, उन सभी कार्यों को दोबारा भूमि पूजन कर सस्ती लोकप्रियता हासिल की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा पार्षद दल के द्वारा परिषद की बैठक में यह मुद्दा परिषद अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया गया है कि किस नियम के तहत पार्षदों की उपेक्षा कर दोबारा भूमि पूजन का कार्य महापौर एवं अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। दरअसल दोनों ही पक्षों के द्वारा वाहवाही लूटने के अलावा कुछ नहीं है। एक पार्टी ने पूर्व में भूमि पूजन किया, विकास नहीं हुआ, कार्य नहीं कराए गए, तो वहीं दूसरा पक्ष अब उन्हीं कार्यों का भूमि पूजन कर रहा है। आइए दिखाते हैं लेखा समिति के चुनाव की कुछ झलकियां, सुनाते हैं परिषद अध्यक्ष नव निर्वाचित लेखा समिति के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष दीनानाथ वर्मा को पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। हम लोग बैठ जाते हैं, अगर आप एक दो इस बात की सदन में क्या हो रहा है, कांग्रेस और बीजेपी मिलकर वो अपने महापौर जी को बचा रहे हैं। ये कार्यकाल माना जाएगा, जनता का काम कौन करेगा? हम लोग यहाँ बैठे जा रहे हैं, चलिए। आप
दीन दाऊद है नहीं ऐसे लिख लो मैं पढ़ पत्ता रहा है अपना को नहीं कहा है मैं सभी निर्वाचित लोगों को बधाई देता हूं कि लेखा समिति में आज जो निर्वाचन हुआ उसके अध्यक्ष हमारे बीरेन्द्र सिंह जी और 6 अन्य सदस्य भी निर्वाचित हुए सबको बधाई और आज का जो परिषद की बैठक का एजेंडा था वो किन्हीं कारणोंवश अगली बैठक तक के लिए स्थगित किया गया उसमें हम लोगों ने एक पत्र दिया है माननीय अध्यक्ष जी को कि माननीय महापौर जी द्वारा जो वार्डों में भूमि पूजन किया जा रहा है तो उसमें वार्ड पार्षद की भूमिका जो है नगण्य है उनको सूचना तक नहीं जाती जो नियमानुसार जो प्रोटोकॉल है उसका पालन नहीं हो रहा है माननीय महापौर जी जाते हैं आधी रात को 7 बजे 8 बजे 5 मिनट पहले सूचना जाती है पार्षद को कि आपके यहाँ इसका भूमि पूजन होगा जिन कार्यों का भूमि पूजन पहले हो चुका है उनका दोबारा नारियल फोड़ के भूमि का पूजन करना एक सस्ती लोकप्रियता हासिल करना और कुछ नहीं है मैं उसी के लिए माननीय अध्यक्ष जी को आज हम लोगों ने सब पार्षदों ने एक पत्र दिया है कि एक व्यवस्था बनाई जाए माननीय महापौर जी से मैं चाहता हूँ कि वो इस्टीमेट बनवाएँ टेंडर कराएँ फिर उसका नारियल फोड़ें तो अच्छा लगेगा जिन कार्यों का पहले से ही भूमि पूजन हो चुका है उनका दोबारा भूमि पूजन पूजन करने का कोई औचित्य नहीं है जी। लेखा समिति का चुनाव था जिसमें 7 आवेदन आए थे और 7 लोग निर्विरोध चुने गए और उन 7 में से बीरेन सिंह जी को अध्यक्ष चुना गया है। 7 जो सदस्य थे उसमें बीरेन सिंह जी हैं, श्रीमती पूजा प्रमोद सिंह जी हैं, संजय खान जी हैं और श्रीमती विमला सिंह जी हैं और गंगा यादव हैं, रफीकुन शहनाज बेगम जी हैं और वो सूफिया जी हैं, सूफिया बेगम जी। 7 लोग निर्विरोध चुने गए जिसमें से इन्होंने अपने अध्यक्ष का चुनाव किया जिसमें 4-3 था, उसमें वीरेंद्र सिंह जी को अध्यक्ष घोषित किया गया है।